हेलो एस्पीरेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज के अंडर पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। बट आगे चलने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटी का स्किप हो गया है, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। क्योंकि टोटल 3-4 ही वीडियोस बची हैं इंडियन पॉलिटी की और उसके बाद ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक स्किप हो गया है, मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि इस वीडियो इस सीरीज के चलते चलते ही मैं उस पर नोट्स बना लूं और वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। अदरवाइज एक बार कंप्लीट हो गई सीरीज, उसके बाद फिर से वो टॉपिक पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आपको पता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सब्जेक्ट एज ए होल कंप्लीट पढ़ाती हूँ, टॉपिक्स डिस्कस नहीं करती हूँ बीच से, ठीक है ना। चलिए, जुडिशियल रिव्यू हमें पढ़ना है तो यहाँ पे आपको भारी भरकम डेफिनेशंस दिखाई दे रही होंगी। चलिए इसे नहीं पढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं अपनी सिंपल भाषा में कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जिससे कि भारत की जनता खुश नहीं है, कोई भी जनता, कोई भी सेक्शन हमारी सोसाइटी का खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लॉ बन चुका है तो अब उस पर अमल तो करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अब जो आम आदमी है, जो सिटीजन्स हैं हम इंडिया के, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा तब तक जब तक कि जो चल रही है सरकार उसका टेन्योर कंप्लीट हो, उसके बाद हम पूरी सरकार चेंज कर सकते हैं। क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और पावर है? आम जनता के पास, आम आदमी के पास नहीं है। लेकिन इस केस में पावर जाती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बना जो कि गलत है, ठीक है, आम आदमी उससे खुश नहीं है, तो उस केस में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर सकते हैं? उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि क्या वो संविधान के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बना है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ गलत है, इससे कोई भी सेक्शन हमारी सोसाइटी का खुश नहीं है, तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया जुडिशियल रिव्यू क्या है? कि जो लॉ बना उसको रिव्यू करने की पावर हमारे जुडिशियल सिस्टम के पास है, राइट? चलिए अब हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। सो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या ऑर्गन्स हैं? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, एंड डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स और इज इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ब्यूटीफुली एक लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। जुडिशियल रिव्यू क्या है? कोर्ट्स के हाथ में दी हुई ऐसी पावर है जो किसी भी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकती हैं। अब जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उन्होंने कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर सकते हैं अगर वो खंडन करता है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसके हिसाब से नहीं है, वो बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहे, तो उसे हमारे कोर्ट्स बिल्कुल वॉइड, मतलब कहते हैं खत्म, नल, वायलेट अगर कर रहे हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाली डेफिनेशन और भी ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको बस कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। डेफिनेशन तो वहां बैठ के खुद ही बनती है एग्जाम हॉल में, है ना, लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेट्स है, एक्ट है, पावर ऑफ द कोर्ट है, ये याद रहने चाहिए बस, ठीक है। नाउ जुडिशियल रिव्यू की एक और डेफिनेशन है दैट इट इज अ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जज रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन निकाला, कोई भी एक्शन निकाला, अब वो लॉ के हिसाब से है या नहीं, लॉ के हिसाब से है या नहीं, इस चीज को चेक करता है जज, इस चीज को रिव्यू करता है जज। एक प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग होती है और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। नाउ जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत सिद्धांत जिसे हम शायद हिंदी में कहते हैं। और कौन से केस के अंदर जो है ये स्टेटमेंट सामने आई थी दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो एज पर इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण केस 1975। ओके, नेक्स्ट आता है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर किस तरह के एक्शंस को हम चेक कर सकते हैं, हम मतलब कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एक्शंस, यानी कि कोई कानून बना उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, प्रशासन से संबंधित कोई एक्शन है, जुडिशियल एक्शंस, अपना कोई स्टेटमेंट थी, ठीक है, उस स्टेटमेंट को फिर से रिव्यू कर सकते हैं अगर लगता है कि वो स्टेटमेंट गलत थी, तो खुद पे भी कर सकते हैं, है ना, सेल्फ रिव्यू भी कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का भी रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी गवर्नमेंट के हम कहेंगे तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, इसे आप एग्जीक्यूटिव बोलो, है ना। तो इन तीनों को रिव्यू करने की पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू कहीं पे आया और डर गए, नहीं, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है जुडिशियल रिव्यू में।
कोई लॉ आया वो गलत है, आम जनता उससे खुश नहीं है, आम जनता के पास उससे रिलेटेड कोई पावर नहीं है, लेकिन लेकिन पावर है कोर्ट्स के पास, समझ रहे हैं ना, कोर्ट्स के पास पावर है, तो वो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं कि जो ये नया लॉ बना गलत है तो उसे कर दो, फिर कर दो इसे कैंसिल, कर दो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव, कर दो इसे वॉइड प्रूव, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की, क्यों हम तब से जुडिशियल रिव्यू इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, सिंपल से डेफिनेशन पढ़ी हो गया है ना। तो देखिए इससे हमें क्या समझ आती है, क्यों ये हम इंडियंस के या किसी भी देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकार जो हैं उसे लेजिस्लेटिव या जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जो लॉ बनाते हैं वो लोग छीन नहीं सकते, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। Essential for checking the possible misuse of power by the legislature and executive. जो लॉ बना रहे हैं वो अपने फेवर में कोई काम ना कर ले, जो उनके पास पावर्स हैं, जो MLAs के पास पावर्स हैं, जो MPs के पास पावर्स हैं, उनका misuse नहीं हो। ऐसा नहीं कि उनके बेनिफिट के लिए वो लॉ है तो उन्होंने लॉ बना दिया, नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आएगा बीच में कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम हमारा आएगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर देगा। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वही सुप्रीम है इंडिया में और कोई चीज सुप्रीम नहीं है ना, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। अब बात आती है कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। सो आर्टिकल नंबर 13, देखिए और आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे लेकिन जो एक मेन हमारा आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 13। एनी लॉ दैट कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट शुड बी वॉइड। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू ये, राइट टू वो सब पढ़े हैं, है ना। नाउ हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अगर वायलेट करता है, किसी भी तरह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का खंडन होता है, ठीक है ना, तो उस लॉ को, उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 13, ठीक है ना। हम अभी ये भी पढ़ेंगे कहां से हमने ये आइडिया लिया है संविधान का, ठीक है, संविधान से, कौन सी कंट्री के संविधान से हमने आइडिया लिया है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। नाउ उससे पहले विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट एक्ट्स एज अ कस्टडियन, एज अ कस्टडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स का कस्टडियन बन जाता है इसी के साथ कोर्ट, क्योंकि वो उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ आता है उसे वो जुडिशियल रिव्यू करके वॉइड, नल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर सकता है। ये वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है ना, अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो इन वर्ड्स का महत्व है, अंडरस्टैंडिंग सबको है, लेकिन आंसर राइटिंग में आप एक्सप्रेस करोगे आप कितने ब्यूटीफुली, कितने सुंदर, कितने साफ तरह से, कितने अच्छी तरह से, कितने कम वर्ड्स में अपने थॉट्स को लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू थ्रू, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर हमें अपने संविधान में जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता चलता है। तो आर्टिकल नंबर 13 ही तो आप रट लो, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 32, 131, 136, 143, 226, 246, ठीक है। अब अगर आपको देखिए बहुत डिटेल में इसको जानना है तब तो हमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा टारगेट यही है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स आपको रिवील करवा दूँ, ठीक है। बाकी हम एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, तो वो मैं जब कंटिन्यू करूंगी फिर हम एक साथ ही सब कुछ पढ़ेंगे। अभी मेरा टारगेट ये है कि जैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, हमारा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, ये तीन सीरीज हमारी चल रही हैं अलोंग विद एम लक्ष्मीकांत, जिसकी वजह से मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा टारगेट है कि इन तीन को पहले कंप्लीट करो, फिर हम सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ गया। चलिए लास्ट पॉइंट आता है टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। देखिए अभी हमें क्या पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिल्स एक स्टूडेंट ने कहा था वो भी मैं पढ़ाऊंगी, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तीन चार टॉपिक्स बचते हैं मुझे पता है, ये तो मैं पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट रहा है या मैंने नहीं कवर किया है, मैंने इससे पहले भी एक बार पॉलिटी पढ़ाई थी, सेकंड टाइम में पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, तो इनमें कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि स्किप हुआ है, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं साथ साथ में वीडियो बना सकूं, सीरीज एक साथ में कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज अगर एक बार मैंने लास्ट वीडियो बना दी उसके बाद फिर हम कोई और टॉपिक एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार कह रही हूं ताकि आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट, विच वॉज द जुडिशियल रिव्यू। कल हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसी के साथ रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन
नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।